हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम एसक्यूएल सीखेंगे। अब यहां पर देख सकते हैं ये तीन फीस मैंने ऐड करा है। मैं पूरा स्टार्टिंग से आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दिया जाए ताकि हम आपको शुरू से बता सकें कि इसको कैसे करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का, जिन्होंने पूछा है सर अगर टेबल में नए कॉलम ऐड करने हो तो कैसे ऐड किया जाए। हाँ, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्रिएट पे चलेंगे। सबसे पहले तो टेबल कैसे बना लिया जाए, टेबल बनाने के लिए कई सारे वीडियोस मैंने पहले ही बनाए हैं। यहाँ क्वेरी डिजाइन पे जाना है और यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन है, ठीक है, इसी में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, क्लिक करेंगे एसक्यूएल पर, तो ये सेलेक्ट आएगा। तो सेलेक्ट हटा दीजिए, सेलेक्ट तो करना नहीं हमें, यहाँ फिलहाल टेबल बनाना है। क्लियर किया मैंने, क्रिएट टेबल, ये वो कोड है जिसकी मदद से टेबल बनेगा। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है माइटी, माइटी, ये टेबल का नाम है माइटी। देखिएगा ध्यान से माइटी मैंने कैसे लिखा है। एंटर करके नीचे आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, रोल नंबर दे देते हैं, स्टूडेंट का रोल नंबर, तो ये लिख दिया रोल। और अंडरस्कोर लगाइएगा जरूर अगर आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर एसक्यूएल व्यू। तो अंडरस्कोर नीचे लगा दिया मैंने, रोल नंबर हो गया, ये इंटीजर डेटा टाइप हमने इसे बना दिया, ठीक है। अब इंटीजर डेटा टाइप बनाने के बाद कॉमा दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसे प्राइमरी की बना दिया जाए तो यहाँ पर प्राइमरी की लिख दीजिए, केवल इस तरीके से आपको प्राइमरी की लिख देना है, ठीक है। कॉमा देके नीचे आइए, जैसे ही नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको देना है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो ये नेम दे दीजिए, केवल नेम दे देता हूँ, ठीक है। आप इसे टेक्स्ट डेटा टाइप या वेयर कैर डेटा टाइप दोनों ही रख सकते हैं। वेयर कैर रखने का फायदा क्या है कि आप डिसाइड कर पाएंगे कि कितने कैरेक्टर्स उसमें आए, तो मैं फिलहाल टेक्स्ट रख देता हूँ, टेक्स्ट रख दिया, ठीक है। और अब इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि लास्ट हमको यही रिकॉर्ड ऐड कराना था, नहीं इसके बाद हमें कोई रिकॉर्ड नहीं ऐड कराना, तो बस ये रन पे क्लिक कर दीजिए, ये टेबल आपकी बन करके तैयार है। कैसे दिखेगी टेबल, ये लिखिए, ये टेबल तो बन गई, लेकिन सवाल ये है कि इसमें कॉलम्स ऐड करवाने हैं, कैसे ऐड होगा। तो सबसे पहले इसको सेव करके क्लोज कर देता हूँ, ये क्वेरी वन है तो क्वेरी वन ही छोड़ देते हैं और ये माई टेबल को भी क्लोज कर देते हैं। यहाँ सेव करके क्लोज कर दीजिए और इसको भी क्लोज कर दीजिए। अब क्लोज हो गया। अब आपको क्वेरी आपको दिख रही है कैसे मैंने बनाया था क्वेरी, वो तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसमें ऐड करवाएंगे, एक कॉलम ऐड करवाते हैं, एक या कई कॉलम आप ऐड करवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक तो बता दूं तो फिर आप कई करवाते रहिएगा। तो यहाँ पर आ गए, ठीक है, यहाँ से एसक्यूएल जो दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब ये सेलेक्ट आ रहा हुआ है तो सेलेक्ट नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, हमें अल्टर करना है। आप टैली में अल्टर करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हम अल्टर करेंगे। और अल्टर करना कहाँ से, कौन से टेबल से अल्टर करना है, हाँ बताइए कौन से टेबल से अल्टर करेंगे। जी बिल्कुल, जो टेबल हमने बनाई है उसी टेबल से हमें अल्टर करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल लिख दिया। टेबल लिखने के बाद आपको क्या करना है, टेबल का नाम देना है, माई टी दिया था मैंने तो ये लिख दिया मैंने माई टी, तो ये टेबल का नाम हो गया, ठीक है। टेबल का नाम देने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आना एंटर करके, आप चाहे तो वहां पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, हम ऐड करवाना चाहते हैं, ऐड क्या ऐड करवाएंगे, हम ऐड करवाएंगे इसमें ईमेल, ईमेल ऐड करवाएंगे, ठीक है, ईमेल, ई एम ए आई एल, ये ईमेल ऐड करवा दिया हमने ईमेल। और यहाँ पे लिख देता हूँ आई डी, ईमेल आई डी कर देता हूँ, ठीक है। और इसका डेटा टाइप क्या दे देंगे, वेयर कैर डेटा टाइप दे देंगे, वेयर कैर, ठीक है। और इसमें हम मैक्सिमम 40 कैरेक्टर, हम 40 कैरेक्टर लिख पाएंगे इतनी वैलिडिटी मैं दे देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ और भी ऐड करवाना हो तो आप इसी तरीके से ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनेशन के लिए, यहाँ पे खत्म हो रहा है तो टर्मिनेशन तो देना पड़ेगा ना, बिना टर्मिनेशन के तो होगा नहीं, तो यहाँ टर्मिनेशन के लिए सेमी कोलन लगाएंगे। हमेशा मैंने बताया है कि टर्मिनेशन के लिए क्या लगाते हैं, सेमी कोलन लगाते हैं, बस हो गया काम, रन पे क्लिक कर दीजिए, काम हो गया है। अब आते हैं माई टेबल में, तो माई टेबल में जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ ईमेल आईडी एक्स्ट्रा इंसर्ट हो गया है, ईमेल आईडी आया कि नहीं देखिए, एक्स्ट्रा में ईमेल आईडी आ गया, पहले केवल रोल नंबर और नेम था, ठीक है। तो आप रोल नंबर की जगह रोल नंबर लिखते जाइए और नेम की जगह नेम लिखते जाइए इस तरीके से, ठीक है। आप ईमेल आईडी, तो ईमेल आईडी इस तरीके से लिख दीजिए 123@gmail.com, ठीक है। तो ये ईमेल आईडी भी आप एंटर कर पाएंगे, ओके। आई होप कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये ऐड करवाना है तो कैसे हम ऐड करवा सकते हैं, ओके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।